It's like you, two years ago, beautiful. So, auntie, you are looking like a small chair <laughs> <laughs> with the two two chooties. <laughs> 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 good morning, 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 ma'am. Very good morning, good morning, good morning, Priyanka. Good morning, good morning.

अगर कल नहीं किया है दिन बहुत बिजी था घर पे सब लोग थे तो कोई बात आज कर लेना आज वाला भी आज कर लेना और येस्टडे uh, वाला भी आज कर लेना डजेंट मैटर करना जरूरी है बिकॉज ड्रीमलेस के लिए सुंदर जिंदगी जीने के लिए तो हम लोग सब यहाँ पर है अदरवाइज वाई वुड बी बी नीड अड अल Uh, we need a in life, है जिसको हम एक गाय बोलते हैं हमने एक किताब भी की हुई है so, तो मतलब wow, okay? so, वो ही तो सब है हमारी डिजायरलिस में तो so, अगर कल उनको विजुलाइज नहीं कर पाए हैं वन वन मिनट के लिए डेहेक्टिक था कभी कभी भूल जाते हैं कोई बात नहीं है दे आर ऑल ह्यूमन ट्रेट्स है ना कोशिश तो हम यही करते हैं कि हम भूले ना बट अगर ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं doesn't matter. Today is another day. आज कर लेंगे हम so, आज दोबारा से कर लेंगे वैसे आज का दिन तो बहुत ही ब्यूटीफुल वाला आ, वो है मतलब मेरी गोइंग प्रैक्टिस है कभी मिस नहीं करती इज है मैजिकल डे रोज का दिन डिजाइन करना अपने तरीके से आ, जैसे हम चाहते हैं हम सबको पता होता है कि आज के दिन मेरे क्या क्या हाईलाइट हैं दिन के है ना और ऑफिस भी गए तो आज क्या काम करने हैं अगर घर पे है तो क्या मेजर टास्क है ऐसे जो करने हैं किसी को फोन कॉल करना है आज बहुत जरूरी कोई ऑफिस की मीटिंग है आ, कोई किटी पार्टी है किसी के घर जाना है कोई घर आने वाला है बैंक जाना है काम करने के लिए और यू नो लाइक इट इज समे बीट टूडे आपका फेशियल अपॉइंटमेंट बुक है उनका कोई हेयर कट अपॉइंटमेंट हो वैसे वो सब सैटरडे संडे को ही कराते हैं सो <laughs> बटन so, अगर हो सकता है उनका हेयर कट अपॉइंटमेंट हो सकता है आपको कोई ट्रिप प्लान करनी है हो सकता है आपको उसके लिए बुकिंग करानी है आज आपने सोचा है की नहीं ये काम तो मुझे आज कराना है सो वॉट एवर इट इज हम सबको पता होता है हमारी हाईलाइट क्या है मेन दिन की तो उनके लिए पहले से ही थैंक यू बोल देना एज इफ आप ये प्रैक्टिस रात को कर रहे हो सोच के ऐसे करना ये आज वाली है मैजिकल डे मैजिकल डे में सब कुछ जो आज के दिन आपके आपका स्केड्यूल्ड है उसमें उसको लेके करना है ना लिख लेना सुबह आज आप रात को लिख रहे हो कि वो हो चुका है जैसे आज मुझे पता है दैट मुझे लाइक uh, you know, like, मुझे करोल बाग ऑफिस जाना है तो मैं ऐसे लिखूंगी Thank you, or I'm so grateful that my trip to Karol bag was so easy and comfortable and joyful. okay so I'll write that I'm so grateful that I did a phenomenal work at the presentation and it came out to be much better than what I expected. okay. So this is how we write.

सो दिस इज हाउ वी स्ट्रक्चर डे डे सो स्ट्रक्चर अ आप अपने दिन को आप खुद स्ट्रक्चर करो उस अपने दिन के भी गाड़ी का व्हील आप अपने हाथ में रखो ये बहुत जरूरी होता है है ना इधर उधर फिर लुड़को नहीं कभी लेफ्ट जा रहे हैं कभी राइट right जा रहे हैं एंड एवरी आप सोचो कि डे तो हमारी लाइफ का यूनिट है है ना अगर एक दिन रोज के दिन अगर हम हैव अ मैजिकल डे कर देंगे तो हमारी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी इट विल बी फेनोमिनल बिकॉज डे को हम फेनोमिनल बना रहे हैं So every day make brilliant. Every day decide that, you know, everything that is happening today is brilliant, is phenomenal, is much better than what you expected. Ese shabd, ese vichar, thoughts ko man Phenomenal, brilliant. Better than expect always exceeds expectations. So harmonious, so joyful. My health was so healthy. I felt so on top of the world today. I was full of energy. I was bubbling with energy today. इस तरह की चीजें बार बार तो फिर बीमार कैसे होंगे क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में तो हमने ये फीड कर दिया है है ना इट इज लाइक अ स्टोरेज हाउस यू कैन से इट्स अ स्टोरेज हाउस सबकॉन्शियस माइंड वो स्टोर तो है बहुत सारी चीजें पिछले कितने जन्मों से जिनके कारण उनका एक्शन रिप्ले हो रहा है अभी तो वो जो स्टोर्ड चीजें हैं उनके कारण जो जो पिक्चरें डाउनलोडेड है तो पिक्चर ही बोलते हैं ना बिकॉज वो तो सबकॉन्शियस माइंड में सब इमेजेस के फॉर्म में होता है वो इमेजेस ही स्टोर करती है तो जो जो इमेजेस हम स्टोर करके पता नहीं कितने जन्मों से रखे हुए हैं नाउ वी कैन ऑब्वियसली ऑल्टर देम ओके वी कैन चेंज दोज इमेजेस बाय रिपिटेशन रिपिटेशन के कारण अगर हम लगातार कोई चीज करते रहेंगे वेल इट टेक्स एनीवेयर फ्रॉम डेज 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 टू टू पूरी तरह से कोई चीज नहीं इंप्लीमेंट करने के लिए पूरी तरह से अगर कोई पिक्चर आपको डाउनलोड करनी है अपने सबकॉन्शियस माइंड में इट टेक्स अ मिनिमम ऑफ ट्वेंटी हार्ड वायर्ड दिस इज न्यूरो साइंस स्टडी रिसर्च दैट है अगर आप दोनों का मतलब भी देखोगे तो आप ये सोचो दैट Uh, you know, the twenty one is two plus one three, so neuroscience, which is done in the labs, bases the machines, is saying that in twenty one days something at any new information or new thought process, uh, starts getting to get implemented in our subconscious mind, and its action reply hona ho jata hai, din mein. Din, socho, two plus one number of creation is. So, this is a combination of spirituality and science. ठीक है फिर उसके बाद 66 days. 66 को देखो अगेन ठीक है ये बहुत चीजें होती है कुछ चीज कहते हैं ना बिन, बिना दिमाग सब कुछ दिमाग के परे है मतलब इट इज नॉट इट इज नॉट लाइक फॉर फॉर अस टू इवन थिंक ऑफ एंड अंडरस्टैंड इट जस्ट है ग्लोरी रोल इट लव इट लव योर लाइफ इंजॉय क्रिएट लेट गुड थॉट कम रिपीट डेज तो कुछ भी नहीं है, है ना? मतलब एक महीना थर्टी डेज का होता है उस हिसाब से ऑलमोस्ट दो महीना दस दिन ऑलमोस्ट मतलब दो महीना छह दिन टाइप्स है ना उसमें से भी छह दिन नहीं होगा पांच दिन होगा बिकॉज अगर थर्टी फर्स्ट का मंथ होता है तो, तो दो महीना पांच दिन में आपकी एक सॉलिड नई इंफॉर्मेशन रिवायर हो रही है कितनी अच्छी बात है ये वाली तो ऑब्वियसली आउटवर्ड रियालिटी में तो फर्क आएगा ही ना मतलब ऑब्वियसली बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में पहले था आई डोंट लाइक इट माई रिलेशनशिप्स आर नॉट गुड आई एम लाइक दिस आई एम लाइक दैट सो ऑल इट टेक्स टी सिक्स डेज राइट दिस इज द रीजन वी आर नॉट लीविंग द हैंड ऑफ द मैजिक बुक बिकॉज एवरी डे देर इज रीवायरिंग इवन इफ यूर डूइंग जस्ट टू प्रैक्टिस यू नो लाइक काउंट माई ब्लेसिंग एंड मैजिक रॉक ऑल दो स्लो प्रोसेस होगा काउंट एंड मैजिक करने से लेकिन कम से कम आपने इंस्टॉल तो कर दिया है ना ये वाला ऐप अपने दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में ग्रेटिट्यूड का ऐप तो इंस्टॉल कर दिया और उसको आप रोज यूज यूज भी कर रहे हो, सुबह यूज कर रहे रहे हो हो सुबह रात को सोने के पहले यूज कर रहे हो प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हो तभी तो जिंदगी बदल रही है बहुत सारे लोग होते हैं प्रैक्टिस नहीं करते उनको लगता है इसे कुछ होता नहीं है उनको लगता है मैं तो ग्रेटिट्यूड ही रहती हूँ लेकिन दिमाग लगा के सोच के करना और

जो लोग भी आप में से अपनी सहेलियों के साथ या फ्रेंड्स के साथ वॉक करने चाहते हैं यू वेस्टिंग योर टाइम बिकॉज उसमें स्पीड और मोमेंटम नहीं पिक होता और वैसे भी जब वॉक करने जाओ और वॉक करते करते अगर आपको बहुत आराम से बात बिकॉज इफ समबडी इज विथ यू यू विल टॉक टू दैट पर्सन राइट सो इफ यू आर एबल टू टॉक टू दैट पर्सन आपकी कभी भी ट्रेनिंग हार्ट रेट नहीं पहुंचे पहुंचेगी हम लोग जो एक्सपर्ट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द फिटनेस फोर अगर इफ Ability to speak while walking means you are not really, you're just moving your body. There is a difference between movement and workout. Okay. So if you're able to speak easily when you're walking or you're talking on the phone when you're walking, then you're wasting your time. Go back home and sleep, other okay. Okay. You have to reach that rate where difficulty in speaking while walking. मतलब आपका हार्ट बीट उस लेवल तक रेस हो जाना चाहिए जि वेफिकल्टी इन स्पीकिंगजिकल चेंजेसिंग इन यॉडी आपके हैप्पी हॉर्मोन्स निकल रहे हैं आपकी चीजों की फिक्सिंग हो रही है आपका एंडोक्रीनल ग्लैंड नॉर्मल से क्रिएट करना शुरू करेंगे आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ रहा है थोड़ा मसल सिंथेसिस होगा आपका फैट लॉस हो रहा है वो तब होगा जब आपकी इतनी सांस चढ़ जाए दैट यू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक वाइल योर वॉकिंग ओके सो नाउ हैविंग सेट दैट दिस इज वन काइंड ऑफ एक्सरसाइज दी अदर एक्सरसाइज इज अगर आपने दिल्ली दिल्ली कभी आप आयो सो इन टेलीर इज एन एरिया कॉल कर रॉट प्लेस ठीक है खूब वॉकिंग करनी पड़ती है बिकॉज देर यू आर यू हैव टू बी तो ड्राइवर आपको उतार देगा एक जगह पे ठीक है फिर आपको अपना वॉकिंग करना पड़ता है अब आप वॉकिंग कर रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो कनॉट प्लेस में बड़ी अच्छी विंडो शॉपिंग होती है प्यारे प्यारे से लोग दिखते हैं हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं हाई फैशन वाले लोग डेली वैसे भी हाई फैशन एरिया है फैशन ऑलवेज कम्स इन चंडीगढ़ एंड डेली फर्स्ट देन इट गोज एनीर So, you see the best of outfits, you see very good looking girls, people, very handsome boys, um, you see best of fashion, very good stores, you have the best of Marks and H&M, everything at Cannot Place. So, you are just walking a very good place to eat also. Street food is very good. And you have a lot of Original Cavenders is not outlet. So, when you see that Cavenders has a lot of hazelnut coffees, you will be able to eat them, you will be able to eat them, you will be able to eat them, you will be able to eat them. So, it is like that. तो दोनों वॉक में डिफरेंस है अब आप बोलोगे अच्छा मैंने तो सोचा था कि सिक्सटी मिनट्स में रोज वॉक करूंगी सो टुडे आई डिड नॉट डू माय मॉर्निंग वॉक फॉर सिक्सटी मिनट्स बट आई वेंट टू सी पी आई हैव डन माय स्टेप्स ओके इट्स नॉट द सेम इट्स इट्स नॉट नॉट क्लोजली द द सेम सेम गोइंग फॉर अ डेडिकेटेड ब्रिज वॉक फॉर सिक्सटी मिनट्स वेन यू अर वॉकिंग एंड यू आर वॉकिंग फास्ट विदाउट टॉकिंग ऑन द फोन विदाउट टॉकिंग टू एनीबडी यू कैन लिसन टू योर म्यूजिक पॉडकास्ट ऑल दैट दैट्स ओके ओके, okay? बट आपने सीरियस वाली वॉक की थी यहाँ पे आप कनॉट प्लेस पे चल रहे हो दो घंटे लगाए आपके 10 ,000 स्टेप हुए, you know, तो ये टाइम पास करने आए हो मतलब दिस इज रेक्रिएशन यू कॉन्ट कॉल दिस इज वर्कआउट तो ये डिफरेंस होता है हमारी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में इंटेंशनली सीरियसली बैठ के करना की मैं अभी यू you नो know, uh, चैप्टर नंबर कर रही हूँ मैजिकली मेक ऑल माई विच कम ट्रू इट्स वेरी डिफरेंट ऐसे चलते फिरते विजुलाइज करना अच्छा हाँ वो बर्ड भी बहुत अच्छी है फिर वापस विजुअलाइजेशन पे आना अरे वाह कितने प्यार प्यारे से बच्चे वो बेबी कितना अच्छा है स्टॉलर में इतना क्यूट लग रहा है और जिसको प्यार करने का मन कर रहा है फिर वापस आप आ गए अपने थॉट पे दैट इज नॉट कॉल प्रैक्टिस प्रैक्टिस

ओके वेन योर डिसिप्लिन एंड डिलीजेंट डजेंट मैटर किसी दिन कम प्रैक्टिस कर लो ठीक है कंसिस्टेंसी मीन इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो कंसिस्टेंसी मीन्स दैट चाहे आज कोई बात नहीं आज बहुत बिजी है आज मैं पांच ही मिनट करूंगी लेकिन करूंगी जरूर ठीक है जैसे अगर आपने सोचा है मैं होना पो पोना करूंगी पंद्रह मिनट के लिए बट डजेंट मैटर आप सिर्फ चार मिनट के लिए करते हो टुडे

ये कैप्चर करने के लिए इमेजेस कॉन्शियस माइंड इसलिए है ताकि सब कॉन्शियस की सेवा कर पाओ आप है ना तो इसीलिए जब आप ये फाइव सेंसेस से चीजें करोगे वो माइंड में जाती हैं तो हम डेलिबरेटली फाइव मतलब अपने कॉन्शियस माइंड से यू नो लाइक सोचते हैं अच्छी चीजें देखते हैं कुछ उल्टी पुलटी न्यूज चल रही होती है द टेलीविजन वी वॉच दैट है ना वीर ऑन वॉच दैट कुछ ऐसे बस गड्ढे में गिर गई ये हो गया वो हो गया इतने लोग वो हो गए हम ब्लेस करते हैं उनको कि ज, जो भी अगर आपको लगा कोई ऐसी चीज हो गई है आप खूब सारी अपनी ब्लेसिंग्स प्यार पीस गुड हेल्थ वाली ब्लेसिंग ईज वाली ब्लेसिंग जॉयफुल लाइफ वाली ब्लेसिंग ये दो और अपने दिमाग से उसको निकालो और फिर एक बहुत अच्छा वर्ड हमको मिला है चेंज तो वो चेंज को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी लगाता है लगातार तो हम पढ़ते हैं ये वाला हैव अ ब्यूटीफुल डे हमारा और आई रियली होप आपका आज मैजिकल डे रहे और ये इस चैप्टर का नाम भी है मैजिकल डे कि अपने दिन को खुद डिजाइन करो फिर मत बोलो कोई भी आप में से ये बोलने का ऑप्शन नहीं होता है कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा नहीं था कभी नहीं क्योंकि वो आपने आपने अपनी फ्रीक्वेंसी ऐसे रखी थी कि वो अच्छा नहीं था दैट वे सो अ मैजिकल डे में ये घड़ी बनी हुई है मतलब चौबीस घंटे जो आपके हैं Uh, वो आप डिजाइन करोगे और पूरे दिन भर में एक अपने दिन पे खूब सारा ग्रेटिट्यूड डालो वाओ टुडे इज द बेस्ट डे द मोस्ट अमेजिंग डे आई रियली लव एवरीथिंग दैट हैपन टुडे एज एव आप रात को बोल रहे हो कि आज कितना मजा आया आई वो अप सो फ्रेश इन द मॉर्निंग वाओ एंड देन आई हैड माय मॉर्निंग कप ऑफ टी इट वॉज सो नाइस उसमें अदरक का स्वाद इतना अच्छा था

आई विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस इन माई लाइफ थैंक यू सो मच उसके बाद जो भी आप वर्कआउट के लिए गए आई एम सो ग्रेटफुलट आई हैड सच एन अमेजिंग वॉक एक नई चीज मैंने वॉक के बारे में सुनी कि वॉक करते करते फोन पे मत बात करो वॉक करते करते सहेलियों के साथ मत जाओ क्योंकि आप बात नहीं कर सकते अगर आप बात कर पा रहे हो वॉक करते वक्त मतलब घर चले जाओ वापिस देन यू आर जस्ट मूविंग योर बॉडी It is as good as just moving around the house. So then, uske bad, um, I, I was looking so good. You know, like today I I dressed up for office. It was looking so nice. Thank you so much. Thank you so much. I'm so grateful that my ride to my work was really amazing. I just loved it. You know, it was so entertaining and whatever. Like, I'm so जाते-जाते जाते-जाते ऑफिस जाते, सारे जो मेरे ऑटो इतने इतने really so so वा, पूरे दिन भर में सारी चीजों को थैंक यू बोलना अब हम पढ़ते हैं छोटा सा चैप्टर ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आपने अपनी जिंदगी की यूनिट जो आपका दिन होता है अगर उसको सवार लिया उसको सुधार लिया उसको

पढ़ो लिखा टू सी एंड एक्सपीरियंस द मोस्ट मैजिकल डे ऑफ योर लाइफ यू कैन बी ग्रेटफुलॉर योर होल्ड डे बिफोर यू लिव इट टू हैव अ मेजिकल डे यू सिंपली थिंक थ्रू योर प्लान For the day, and say the magic words, thank you, for each one going well before you have lived it. It's the easiest thing to do. It only takes a few minutes, but the difference it can make in your day is incredible. Being grateful for your day beforehand creates a magical day through the law of attraction. When you give thanks for the experiences in your day, Going well, you must receive back experiences going well. If you don't believe you have the power to affect the circumstances of your day so dramatically, think about a time when you woke up grumpy or in a bad mood. You went off into your day and one thing after another went wrong. Until by the end of the day, you were exclaiming that you had a heck of a bad day as though the bad day happened by accident. Well, the only reason you had a bad day was because you took your bad mood from the morning with you. And it was your bad mood that was the cause of one thing after another going wrong. Even waking up in a bad mood. Doesn't happen by accident because it means that you went to sleep thinking negatively about something, perhaps without realizing it. It's the very reason why you are doing the magic rock practice last thing at night to ensure that you go to sleep thinking good thoughts. The magic rock practice at night combined with count your blessings every morning. Sets your good mood at night and in the morning. And they guarantee that you are feeling good before you go off into your day. To have a magical day, you need to feel good. I don't know of anything other than gratitude that guarantees to put you in a good mood almost instantly. Whatever your plans are for the day to day, whether it's traveling, a meeting, project, work project, lunch, exercise, dropping off, dry cleaning, playing a sport, going to the theater, meeting a friend, yoga, cleaning your house. Sorry. cleaning your house, going to school or buying groceries, turn today into a magical day by saying the magic words thank you for each plan going well before you live it if you are a person who writes daily list of things you need to do then you can go through your daily list and be grateful for each one having gone well hmm. whether you do this magic practice magical practice in your mind or on paper the most important thing is that you feel the result of each plan or activity was the best it could have been when you use gratitude ahead of time to have a magical day, it wipes out unexpected problems or difficulties before they happen. The more you use this magical practice, the better your days will become. And from the smallest things to the important things, everything starts going well in your life. The bumpy days smooth out. And instead of frustrating or troublesome things happening in your day, your days start to have a magical flow about them, and things seem to magically go your way, with less effort, no worry, no stress, and far more joy. When I first began to use gratitude to have a magical day, I choose to give thanks ahead of time for the events in my day. That I didn't enjoy doing very much. One of those things was going to the supermarket at the beginning of the day. I said the magic words Thank you for the easy and joyful trip to the supermarket. I had no idea how a trip to the supermarket could be easy and joyful, but I felt as much gratitude for that outcome. As I could. The result of gratitude's magical power was that I got a parking space right at the door. I then ran into two friends, one friend I hadn't seen for a long time, and we got together for lunch after shopping. The second friend I ran into told me about an amazing and inexpensive house cleaner, which was something I had been dreaming of having. As I did my supermarket shopping wherever I looked what I needed was magically in front of my eyes everything was in stock on the shelves one item after another was on special and as I approached the checkout after doing my shopping in record time a new aisle opened and the checkout person signaled me to them as the checkout person was putting my items through the register, out of the blue, she asked, Do you need any batteries? It was the one item I had forgotten to buy. My trip to the supermarket was beyond easy and joyful. It was downright, downright magical. It only takes a few minutes in the morning to use gratitude to have a magical day. By giving thanks for the events in your day ahead of time. But this one practice alone will change the way your entire day unfolds. To have a magical day, when you wake up to the new day, either before you get out of bed or while you are showering or getting dressed, think about your plans for the day and give thanks for each one going brilliantly well. Make sure you do this magical practice at the beginning of your day and in one session. In your mind, work your way through the plans you have for the morning, afternoon, and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words and imagine that you are saying thank you at the end of the day. And you are immensely grateful because it did go brilliantly well. You can use as many superlatives you like to help you feel more grateful. Thank you for the incredibly successful meeting. Thank you for the amazing outcome with the phone call. Thank you for one of the best days ever at work. Thank you for the thrilling sports game. Thank you for the effortless and fun day of cleaning. Thank you for the great night out with our friends. Thank you for the relaxing day of travel. Thank you for the amazing energy from my exercise session. Thank you for the best family get together we have ever had. This magical practice is more powerful if you can say the magic words, Thank you out loud for each experience but if you're not in a position to say them out loud then it is fine to say them in your mind after you have finished using gratitude's magical power for every task and event in your day end the practice by saying and thank you for the great news coming to me today without fail every single morning when i finish using gratitude to have a magical day I give thanks for the great news coming to me that day. As a result, I have never received so much great news in my entire life. One week after another, one day after another, great news pours in. Each time I receive another piece of great news, I am specially grateful and excited because I know I used gratitude's magical power to bring it. And then even more great news continues to come in. If you want to receive more great news than, than you ever have before, then just follow in my footsteps. Magic practice number 14 Have a magical day. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list and at the end of each blessing say thank you thank you thank you and feel as grateful for that blessing as you can second in the morning work your way in your mind through the plans you have for the day and evening until bedtime with each plan or even say the magic words thank you for it having done well imagine that you are saying thank you at the end of the day and you are immensely grateful because it went perfectly after third after you have finished being grateful for all the plans in your day going brilliantly well end this magical practice by saying and thank you for the great news coming to me today just before you fourth just before you go to sleep tonight hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day thank you thank you so much for reading so beautifully thank you ma'am actually ma'am because this time i couldn't fill it for magic book you asked me that day also and i was like i tried but somehow it couldn't happen so i was like i just want to read once in this month and it happened yeah थैंक यू सो मच मैम थैंक यू बेटी क्यूँकी उन्होंने मुझे बोला था Ki you just uh, you know visualize that you are reading you are reading because I told her that my have for that day so uh, she said the magic will definitely happen and it happened yeah so you, you are on a right foot today so enjoy yes. milk milk this day <laughs> <laughs> yes thank you so much ma'am thank you uh, thank you so much thank you, thank you. so uh, this is about uh, the first line of it intention compressed into word unfolds uh, enfolds magical results. सो so, किसी भी चीज में देखो ये जिंदगी एक जीपीएस की तरह होती है जब तक आप अपनी डेस्टिनेशन ही डालोगे ना तब तक रास्ता कैसे बनेगा है ना तो यही इसका मतलब होता है आज का दिन भी एक जीपीएस की तरह है आप जीपीएस में जैसे डालते हो ना आपको कहाँ जाना है एग्जैक्टली मतलब नॉर्मली बिल्डिंग का नाम डालते हो कभी कभी आप घर का एड्रेस भी डालते हो कभी कभी मतलब हम नॉर्मली उस स्टोर का सपोज अगर हमको जाना है किसी भी जगह पे साउथ एक्स जाना है किसी स्टोर में मार्क्स एंड स्पेंसर साउथ एक्सटेंशन टू ठीक है तो आप उसमें डालोगे ना मार्क्स एंड स्पेंसर साउथ एक्स टू सो जीपीएस नाउ विल टेक यू टू दैट प्लेस है ना उसको पता है कि कौन सा वाला शॉर्टेस्ट रास्ता है वहां तक जाने का सो एनर्जी फ्लोज वेर अटेंशन गोज हैं मेक एन इंटेंशन बिफोर डूइंग एनीथिंग डोट लेट इट बी रैंडम अगर आपको एक डेंटल चेकअप के लिए भी जाना है ना उसके लिए इंटेंशन ऐसे डालो थैंक यू फॉर द ब्यूटिफुल आउटकम ऑफ माई डेंटल इट सो वेल एंड इट वॉज सो फास्ट सो क्विक सो इजी अमेजिंग एंड यूज दो ने यहाँ पे बोला है, है ना कि जितना ज्यादा आप एडजेक्टिव यूज कर सकते हो उतना ज्यादा आप करो फिर नॉमिनल ब्रिलियंट अमेजिंग ऑसम वंडरफुल सो यूज दीज वर्ड बिकॉज इनसे इमोशनल स्केल पे इमोशंस आपको चाहते हैं और फीलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और फीलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ते ही आउटकम बहुत डिफरेंट आता है सो दिस इज बहुत इट इज अबाउट द डे मैंने ऑलरेडी बिगनिंग में आपको काफी समझा दिया है तो अभी दोबारा इतना समझाने की जरूरत नहीं है सो so, शुरू में बस इंटेंशन डाल के कोई चीज करो बिना इंटेंशन के मत करो इवन इफ इट इज जस्ट कुकिंग अ फूड लाइक योर बेकिंग अ केक और यू मेकिंग चार और वट एवर इट इज दैट यूर डूंग इन द हाउस You, you are giving your clothes for stitching. You're going to the boutique. You're going to buy yourself an outfit for some occasion, um, maybe Diwali or something. So, outfit intention that I'm so grateful for the most amazing outfit that I purchased today, which was made exactly for me and it was way under my budget. Okay. So, now when you go like this, you to आपको पहली जगह जाओगे आपके हाथ पर जाएगा उसके ऊपर यू नो योर हैंड विल डायरेक्टली गो टू दैट आउटफिट जो आपको खरीदनी थी और दैट सलवार कमीज और दैट शर्ट और दैट कुर्ता और मे बी सम इंडियन वे कुर्ता और समथिंग दैट यू वांट टू बाय अ शेरवानी और एवर इट इज ओके सो योर हैंड विल डायरेक्टली योर विजन विल गो दैट बिकॉज दैट इज मेंट फॉर यू बिकॉज आपने जीपीएस में डाल दिया था for 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 the the most amazing outcome, for the wonderful outfit that I I purchased today, and I just loved it it as as if if was made only for me, फॉर द मोस्ट अमेजिंग आउटकम फॉर द वंडरफुलिस थैंक तो ये आपने पहले कर दिया सुबह सुबह अब आपको जाना है मे बी फोर ओ क्लॉक पे वो आउटफिट खरीदने के लिए बट आपने डे में डिजाइन करके वो भी चीज डाल दी है अब ऑब्वियसली द डेज जी पी

Or even if it is suppose you want to have a good sale or a good income today, then you can just say that that I'm so happy and grateful that I had such a fabulous sale today and there was so much money one after the other rolling into my day. I just loved it and enjoyed it. Okay. Then you see today that how much money is going to come. सो दैट इज हाउ अगर आपको किसी से बात करनी है कोई डिसीजन मेकिंग की कॉन्वर्जेशन करना है सो देन यू हैव टू से आई एम सो ग्रेटफुल देट आई है वंडरफुल कॉन्वर्जेशन विद सो एन सो पर्सन विथ एन अमेजिंग आउटकम वे बेटर देन वॉट आई एक्सपेक्टेड मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे भी ज्यादा अच्छा आउटकम आया मेरे उसके साथ बात करने से सो थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑलवेज बींग दै फॉर मी लीडिंग मी गाइडिंग मी शोइंग द वे थैंक यू इस तरह से हमको आज का दिन डिजाइन करना है एज इट वो ऑलरेडी हो चुका है और ये प्रैक्टिस में लिख के नहीं करना है प्रियोरिटी नंबर वन ऑप्शन नंबर वन जो रोंडा रॉन्डाप ने हमको दिया है कि ये बोल के करना है ठीक है लेकिन उन्होंने कहा बिकॉज अब हम थोड़ा सा लिखने का काम कम करते हैं जैसे जैसे एडवांस करते हैं प्रैक्टिस बट आप लिख के भी कर सकते हो इसको ठीक है लिख के करोगे तो अश्योर रहेगा कि आपने किया है बिकॉज लिखने वाली प्रैक्टिस के साथ ये हो जाता है दैट वी नो दैट वी डन दैन यू नो बोल के प्रैक्टिस में आई में से कितने लोग अपने रोज बॉक्स टिक करते हैं ना कई बार हम लोग बहुत ज्यादा और वैसे भी अभी वो फेस्टिवल टाइम चल रहा है इन गुजरात महाराष्ट्र इवन इन डेली नॉर्थ इंडिया में भी बहुत गरबा वगैरह चल रहा है लोगों का फास्ट चल रहा है पीपल आर नॉट ईटिंग फॉर यू नो

है ना जब तक बॉडी से अपने आप से प्यार नहीं होता तब तक आप खाना कंट्रोल नहीं कर पाते जिस दिन अपने आप से प्यार होने लग जाता है अपने शरीर से उस दिन अपने आप खाना कंट्रोल हो पाता है बिकॉज फिर आपको पता लगता है कि मेरी बॉडी एक डस्टबिन नहीं है ना दैट कुछ भी ट्रैश डालते जाओ जरूरत से ज्यादा डस्टबिन भी बेचारा भर जाता है तो उसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाता है बट हमारा तो वो भी नहीं है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रोता रहता है यू यूनो उसके आंसू निकल रहे होते हैं बट हम ठूसे जाते हैं अपने पेट को दो घंटा पहले खाया फिर खा लिया फिर खा लिया फिर खा लिया फिर खा लिया तो ये सारी चीजें तो इसीलिए अपना अपने हेल्थ का अपनी बॉडी को रिपेयर करें कृपया करके सब लोग ठीक है बट जो भी आपके नवरात्रि के कारण आप बिजी हो अपनी प्रैक्टिसेस को ना भूलें प्रैक्टिसेस आप करते रहिए आपको जो खाना है जो करना है जितना समझा पाते हैं हम उतना बट फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता कई बार है ना तो फिर कुछ नहीं कर सकते प्रैक्टिस के मामले में भी हम बोलते रहते हैं कि प्रैक्टिस कीजिए प्रैक्टिस कीजिए प्रैक्टिस कीजिए बट अभी भी करते करते नहीं है लोग है ना बहुत सारे जो बाकी भी हमारे ग्रुप्स हैं पता नहीं कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं अभी भी जब मैंने इवनिंग सेशन एक दिन लिया था तो मुझे मैंने प्रैक्टिस समझाई थी उनको काउंट मै ब्लेस करनी नहीं आती थी एंड इट्स नॉट सामन फॉर टू डेज सामन वॉज दू नो एंड की काउंट मै ब्ले कैसे करते हैं तो इसका मतलब यह आप रोज दस करते हो मैंने कहा मतलब दस तो नहीं मैं बहुत ज्यादा करती हूँ बट हाँ दस तो करनी होती है नो so प्रैक्टिस you know, नहीं करते हैं, तो कुछ नहीं बने बनेगा आगे मतलब नहीं हो पाएगा बिकॉज वो कॉन्सेंट्रेटेड फोकस लगा के ग्रेटिट्यूड बैठ के एक जगह करना ये बहुत जरूरी होता है सो so, जो सत्रह सेकेंड का हम दस मिनट लगा रहे हैं कितनी स्ट्रॉन्ग रिवायरिंग होगी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है ना जब काउंट माई ही मैंने आपको बोला है कई बार होता है ना जनरली कि हम लिखते लिखते खो जाते हैं लिखते है, लिखते वी गेट लॉस्ट ऐसे बैठ जाते हैं फिर पॉइंट नंबर फोर लिखते हैं फिर सोचना शुरू कर देते हैं फिर लिखते, हैं, फिर सिक्स लिखते हैं, उसके फिर खो जाते हैं ऐसे नहीं बात बनती है इट या जितने भी मिनट दस ब्लेंग लिखनी है नाम को लगातार करो लगातार करो बिना खोए पट पट, पट 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 इस तरह से करो एक के बाद एक एक, के बाद एक, एक, के बाद एक, एक अदरवाइज वो मोमेंटम चला जाता है है ना कॉन्सेंट्रेटेड वे से करो वाली प्रैक्टिस रात को भी मैजिक रॉके तो ऐसे नहीं कि खो जाओ कोई एक चीज पकड़ के उसी में नहीं पूरा अच्छा फिर क्या हुआ था ये हुआ था अच्छा फिर क्या हुआ था ये हुआ था अपने आपसे क्वेश्चन पूछते रहो अच्छा उसके बाद मैंने क्या किया क्या क्या था और मैं कहा गई थी ये क्या था अजन क्या खाया था हाँ उसके लिए थैंक यू बड़ा मजा आया था अच्छा आज मैं किन किन लोगों से मिली इनसे मिली इनसे मिली लिफ्ट में मुझे एक नेबर मिले थे फिर यू नो जब मैं गाड़ी में बैठी थी तो मुझे वो मिले थे सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल माई वंडरफुल इंटरक्शन माई हाउस थैंक यू सो मच सो इस तरह कर करके कर पूछ पूछ के करते रहो बिना ब्रेक लिए तो ये हैव अ मैजिकल डे प्रैक्टिस या तो आप इसको तो वैसे बोल के करना है बोल के भी कर सकते हो मन में सोच के कर सकते हो लिख के करना है करनी सुबह ही है क्योंकि पूरा दिन डिजाइन कर रहे हैं ना सो तो करनी सुबह ही पड़ेगी जैसे मैं आज ऑलरेडी कर चुकी हूँ इस प्रैक्टिस को मुझे पता ही था कि ऑलरेडी तो कर ली थी थैंक यू बोलना पड़ता है uh, हमेशा हेल्थ आप लोगों की अच्छी अब कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ जिससे हेल्थ अच्छी हो और नेचुरली आपकी बॉडी हील करे तो वो मैंने बहुत वैल्यू एड करी हेल्थ के मामले में मैंने बहुत वैल्यू एड करी यू you नो know, बहुत अच्छे से रौनपन और डॉक्टर जोडिस के इंटेंशन को डिकोड करने में मैंने इस तरह से वैल्यू ऐड करी और मेरा बहुत अच्छी स्टडी रही मैंने खुद बहुत सारी नई चीजें सीखी और मैंने खुद डिसाइड दि किया टू री इम्प्लीमेंट सर्टन थिंग्स इन माय सो so, इस तरह वो भी करना होता है ना ये सुबह का भी स्टडी तो ये प्रैक्टिस जितनी जल्दी आप करोगे और रोज करोगे और इसमें टाइम तो लगता नहीं है अगर आप अभी सेशन के बाद वॉक करने जाओगे तब आप कर लेना है ना तब कर लेना मैजिकल डे मैटर अगर सुबह उठ के आप अपनी चाय पी रहे हो कॉफी पी रहे हो स्टैंड इन योर स्टैंड ऑन योर टेरेस यू आर वहां पे पर चार मिनट से ज्यादा लगते नहीं है इस वाली प्रैक्टिस को अगर तीन से चार मिनट में आपकी पूरी जिंदगी बदल रही है बिकॉज एवरी डे यूर मेकिंग मैजिकल आज आपने किया कल फिर करोगे परसों फिर करोगे सो so, इतना तो दिस इज द बेस्ट बार्गेन यू कैन हैव इन योर लाइफ इट सो इंटेंशन डाल के है ना डायरेक्शन दो अपने सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत बड़ी पावर है जिसको डायरेक्शन देना पड़ता है वो पावर आपके अंदर है लेकिन डायरेक्शन दोगे अब गाड़ी में आप पेट्रोल टैंक को फुल कर लोगे बट गाड़ी वो चला के कहीं ले नहीं जाओगे तो उस पेट्रोल टैंक का कोई फायदा थोड़ी है फुल कराने का सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इस पावर को जो हमारे अंदर सबकॉन्शियस फॉर्म के बीच के, के, के रूप में है

है ना दैट वे तो इस तरह इंटेंशन डाल डाल के आप अपने पूरे दिन भर की सारी चीजों को डिजाइन करो और खूब सारा और उन सब का जब आपने पूरे दिन सुबह से शाम तक के लिए कर दिया उसके बाद आप बोलो एंड थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टूडे एंड थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टूडे और आप देख रहे कुछ ना कुछ न्यूज आ जाएगी जो बहुत अमेजिंग होगी जो आपको बहुत खुशी देगी दिल से तो रॉन्डाबा ने अपना एग्जाम्पल दिया है कहती हैं जब मैंने ये प्रैक्टिस करनी शुरू की थी तो मैंने उन चीजों के साथ शुरू की थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है तो उन्होंने प्रैक्टिस ये की थी ग्रोसरी शॉपिंग से बिकॉज ये काम उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता था

वो उस आयल पे चली गई जिसमें उनका नंबर वन था टर्न उनकी फटाफट बिलिंग हो गई और पता नहीं क्यों बिलिंग वाले पर्सन ने बोला कि आपको कोई बैटरी चाहिए क्या तो उनको याद आया कि हाँ बैटरी एक चीज थी जो मेरी लिस्ट में मैंने ली नहीं थी अभी तक तो फिर उन्होंने बैटरी उठाई फिर उसके बाद वो जैसी बाहर निकली आयल से बिलिंग काउंटर से उनको दो सहेलियां उनकी मिल गई

फिर उसके बाद वो घर आई तो कह रही है इस तरह से मेरी जो ग्रोसरी शॉपिंग की ट्रिप थी इट वॉज डाउन राइट मैजिकल उन्होंने जीपीएस की तरह इंटेंशन डाल दिया था इजी एंड जॉयफुल तो वो हर तरीके से आप यूनिवर्स से उन्होंने इजी और जॉयफुल मांगी थी उनकी यूनिवर्स ने देखो कितने सुंदर तरीके से प्रेयर आंसर करी है ना यू आस्क फॉर टू यू विल गेट फॉर्म यूनिवर्स हमेशा एक्स्ट्रा प्लस वन आपको मिलता है साथ में सो बहुत बहुत अच्छी चीज होती है ये तो इसीलिए आप जीपीएस में डालते रहो दैट थैंक यू यूनिवर्स और थैंक यू की एनर्जी डाल के एंड यू विल गेट दैट थिंग डेलीवर्ट टू यू इन द मोस्ट ब्यूटिफुल परफेक्ट मिस्टिकल मैजिकल मार्बल वे दैट इट विल सरप्राइज यू

है ना जैसे कई लोग घर का नाम अगर आप जन्नत क्यों शाहरुख खान ने जन्नत नाम रखा है अपने घर का बिकॉज उनका घर एक्चुअली जन्नत है मतलब बहुत ज्यादा लोग जो वहां पे जाते हैं मतलब सबके आप किसी सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू वहां पे वाई भी डिफरेंट है उस घर में जो जाएगा उनकी वैसे ही किस्मत बदल जाएगी तो इस तरह से क्योंकि शाहरुख खान तो वैसे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हो कहते हैं ना सारे स्टार्स है और उनके बाद मैं हूँ मतलब जितने भी आसमान में आपको तारे दिखते हैं वो है और मैं हूँ मतलब कितने स्टार्स हैं पूरे यूनिवर्स में तो वो शुरू से सब लोगों को लगता है कि वो बड़े एरोगेंट इंसान है हमेशा अपनी तारीफ करते हैं ये करते हैं नहीं वो एक दिन में तीन किताबें पढ़ते हैं उनकी वाइफ कहती है चार घंटे टॉयलेट से नहीं निकलते हैं वो वो अपनी गाड़ी में कहीं ट्रेवल करते हैं तभी वो बुक पढ़ रहे होते हैं उनके उनकी सबसे बड़ा रूम जो उनके घर में वो उनकी लाइब्रेरी है ठीक है कितनी किताबें पढ़ी है उन्होंने अभी तक तो उनकी बुक आप शाहरुख खान एंड रीडिंग बुक्स का कभी यूट्यूब पे डालना और फिर देखना कि उन्होंने कितनी किताबें पढ़ी है

कल ही कोई कोई इंटरव्यू पता नहीं कहाँ से पास आया तो बताया था कि शाहरुख खान जब भी आते हैं मतलब उनके घर जाओ तो वो द, आपकी गाड़ी का दरवाजा खोल के आपको बैठाते हैं मतलब उनके घर का कोई ना कोई मेम्बर ही उनके घर का रिवाज है चाहे उनका बेटा हो जैसे अगर कोई गया उनके घर में फॉर कॉफी फॉर मीटिंग फॉर ड्रिंक्स वट तो जब वो वापस जाएगा तो गाड़ी का दरवाजा अगर मैं गई हूँ तो मेरी कार का दरवाजा वो खोल वो खोलने आते हैं और वो जब आप बैठ के वो बंद करते हैं ये उनके घर का रिवाज है ही इज नॉट शाहरुख खान जस्ट लाइक दैट तो उनकी बिल्कुली, वो कहते थे कि, पड़ोसी के घर में टीवी देख के नीचे कारपेट पे दरी पे बैठ के देखने जाते थे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी वहां से उनकी जिंदगी की शुरुआत हुई और अभी देखो मतलब उनका तो पैसे का काउंट ही नहीं है मतलब कहाँ से आ रहे हैं क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं वो कहते हैं मैं अपने पिक्चरों के लिए पैसे नहीं लेता हूँ बिल्कुल भी एंड विच इज ट्रू ही डार्ज फॉर द मूवीज ही जो बाकी के इवेंट करते हैं रिबन काटते हैं क्रिकेट मैच करने जाते हैं कहीं पे शो अप करते हैं पांच मिनट के लिए वो उन सब के पैसे लेते हैं कहते हैं मैं उसी से मेरा चलता है आई डोंट चार्ज फॉर द मूवी मैंने कभी नहीं चार्ज किया है सो पर्सन ही इज इट मतलब बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनकी जिंदगी इसीलिए चेंज हुई है सो so, इसीलिए किताबें पढ़ के उनसे डिराइव करना सब करना दिस इज मतलब योर वर्ड्स योर थॉट्स ऑलवेज हैव चैनलाइज्ड

Uh, मन में सोच के या आउट लाउड बोल के हैव अ मैजिकल डे करना है सुबह से लेके रात तक का एज इफ आप रात को कर रहे हो और वो ऑलरेडी हो चुका है है ना मतलब सेइंग थैंक यू बिफोर इट हैज हैपेंड हैपेंड एज इफ इट्स ऑलरेडी इस तरह से करना है अः लिख के करना है मैं लिख के करती हूँ मैं क्योंकि सुबह ही कर लेती हूँ तो मेरे पटपट पट पट पटपट बहुत सारे ब्लेसिंग्स होते हैं मतलब दे लिटरली नंबर आई लूज द नंबर आई लूज द काउंट मतलब मैं गिनती नहीं हूँ

सो so, और प्लस मुझे वर्कआउट सुबह और शाम दोनों टाइम करना होता है तो इसलिए इट्स ऑलवेज बेटर सुबह अच्छे से कर लो पूरे दिन करना है पूरे दिन कर लो ड मैटर करना जरूरी है और रात को सोने के पहले मैजिक टॉक प्रैक्टिस ठीक है दिस इज वॉट वी हैव इन आर नाउ वी गो टू दी अदर बुक ब्रेकिंग दैबिट ऑफ बींग योर सेल्फ जिसमें हम अपना न्यू थॉट प्रोसेस न्यू बींग जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम सीमेंट कर रहे हैं अपनी पर्सनालिटी में ताकि हमारी पर्सनल रियलिटीज भी आउटवर्डली चेंज हो जाए पर्सनालिटी चेंज होते ही आउटवर्ड रियलिटीज भी चेंज हो जाती है सो so, हम ये पढ़ते हैं एंड अनुकृति इज रीडिंग फॉर अस यस अनुकृति आई कॉल यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर न्यू नेम्स दिस इज योर फर्स्ट टाइम आर यू डेब्यूइंग टुडे No, uh, it's a uh, second time. oh okay, great, awesome. yeah to demonstrate is to be it all day long. In a nutshell, demonstration is living as if your prayers have already been answered. It is rejoicing in your life new life with a new level of expectation and excitement it is reminding yourself that you must be in that same state of mind and body that you were in when you created your new ideal you cannot create a new word, uh just a minute you cannot create a new personality in your meditation and then live as the whole self for the rest of the uh, for the rest of the day it would be like eating a really healthy meal in the morning and then spending the rest of the day snacking on the junk food. In, uh, in order for a new experience in reality to happen to you, you have to match your behavior with your goal. You align your thoughts and deeds. You must make choices that are consistent the, uh, that are consistent with your new state of being. When you demonstrate, you physically apply what you have mentally rehearsed, getting the body involved and making it do what the mind has learned. Therefore in order for you to see signals in unfolding in your life, you must live and be in the same energy that you created from simply put if you want the universe to begin to talk back to you in new unusual way the energy and the mind that demonstrate in your life must be the same as the energy and mind of your meditation as that new ideal this is when you are connected with or entangled to the energy you created in a dimension beyond space and time and this is how you attract the new event into your life. When both aspects of, of the life or uh, sorry when both aspects of the self are aligned, the you living in the now life is the same being, you constructed during meditation. You are being the future, you that existed as a potential in the quantum field and when the new self that you created in your meditation is the exact same electromagnetic signature as the future you that, that you are being in your life you are unified to that new destiny when you are when you are physically being one with the future in the now moment that you dreamed about you will experience the bounty of a new reality there will be a response from a greater order yeah so this is i think one of the most beautiful topics in this book uh, it talks about now be that person jo aapne socha you wanted to be

हम उसको करके पास से प्रेजेंट में लेके आते हैं और प्रेजेंट से हम उसको फ्यूचर में भी लेके जाते हैं वी डू इट विद एफर्ट्स है ना हमारे थॉट से हम एफर्ट करके बार बार पास को रिविजिट करते हैं बार बार सोचते हैं बीस साल पहले ऐसा हुआ दस साल पहले ऐसे हुआ पांच साल पहले ऐसे हुआ उसने भी मेरे साथ ऐसे किया मेरी जिंदगी ऐसी नहीं थी तो उसको हम अपना नाव बना लेते हैं नाव से हम उसको और नाव में आप जो भी हो कहते हैं ना नाउ हैज मोस्ट पावर सो नाओ में पावर है क्योंकि नाव में जो आपके दिमाग में आ रहा है वॉट एवर यूर थिंकिंग ऑफ राइट नाव दैट इज ऑल्सो गोइंग टू गेट इन टू द फ्यूचर एंड बिकम योर फ्यूचर रियालिटी सो बट देन नाव हमारा बीइंग चेंज हो गया है अब हमारे जैसे हमने डिसाइड किया हमने लिखा हमने आइडेंटिफाई किया हमारी कमी है ना हमारी वीकनेस I mean... would mean... Weakness here... So... We weakness identify weakness... That yeah... This was my... One uh, part of the personality... I really want to change... That I am revisiting... My past again and again... And my past is not... Giving me happiness... My past gives me... Tears... My past makes me feel angry... You know... Uh, it gives me irritation... It gives me a grudge... It gives me resentment... Against that person... Uh, it makes me feel... Really bad... I feel underconfident... I feel this... I feel really sad... In my heart...

उसके बाद वो जो हमारी सारी कमियां थी हमारी ऑल दैट वी डोंट एंटरटेन इट ऑब्वियसली राइट सो हमने उसको एक बॉक्स में बंद करके हमने बिल्कुल सी के बीच में जाके उसको सी के अंदर डाल दिया समुद्र में डाल दिया बिल्कुल बीच में जाके है ना या हेलीकॉप्टर से फेंक दिया एनएलपी के हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हो एनएलपी के न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के हिसाब से आप उसको या तो किसी अननोन जगह पे एक रूम बना हुआ है उसके अंदर बंद करके आ जाओ या आप समुद्र में फेंक दो तो। या आप वॉटरफॉल में वॉश कर लो लेकिन उसके लिए उसको आपको छोटा बनाना पड़ेगा प्रॉब्लम लो एंड यू हैव टू पुट योर 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 हैंड सो प्रॉब्लम इज बिटवीन बिटवीन बोथ है ना जो आपका था वो अनप्लेजेंट दोनों हाथों के बीच में है यू आर एक्सपैंड इट हाउस ने ये भी किया 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 बहुत बुरा लगा उसने मुझ मेरे पे हाथ भी उठाया उसने मुझे बहुत इन ट्रीट किया उन्होंने उनका हमेशा मेरे पीछे से मेरे बारे में जाके बात की बाद में भी मेरा ऐसे किया मुझे इतना ह्यूमिलेशन फील हुआ ये

ओके okay? सो so, वो आपने जोन टू में मतलब डे टू में किया था जोन टू इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई फ्लाई टू मच सो जोन वन जोन टू ओके सो अब आपने उसको वॉटरफॉल में वॉश कर दिया अब आप वापस से वापस आ गए अब तो वो आपका पास चला गया बह गया या आपने उसको सी के बीचों डाल दिया अब आप अब बहुत फ्री और लाइट हेडेड फील करोगे बिकॉज आपने बहुत बहुत बुरी जो आपको आपके इतना सारा आप कैरी कर रहे थे अपने मन में यू हैव एलिमिनेटेड दैट फ्रॉम द डेप्स ऑफ योर लाइफ एंड यू हैव जस्ट गिवन इट एट अ प्लेस वेयर यू कैन नॉट इवन रिविजिट है ना उस समुद्र के बीच में आपने कहा फेंका है किस जगह पे गए हेलीकॉप्टर से आपने फेंक दिया आपने उसको जाते हुए देखा आपने उस बॉक्स को सिंक करते हुए देखा और वो सबसे गहरा पार्ट ऑफ द सी था तो अब वो तो चला गया आपकी लाइफ से अब आप बहुत लाइट फील करोगे लेकिन क्योंकि तो ये माइंड गेम होता है है ना तो कभी कभी वो वाली नेगेटिव सिचुएशन इन स्पाइट ऑफ द एनएलपी कभी कभी हम एनएलपी तीन चार बार कराते हैं लोगों की है ना क्योंकि वो बहुत हाउंड uh, करने वाली चीज होती है तो अब जो होगा वॉट यू कैन डू नाउ इज दैट नाउट माइंड रिविजिट दैट पास यू नो नाव एंड एवरी नाउ एंड इट माइ इट अब इन डिपेंड्स कि कितना गहरा इम्पैक्ट था आपका उस पास्ट का आपके ऊपर तो हो सकता है that वो बार-बार आपको वो पास रिविजिट करे एंड योर माइंड विल ग्रेविटेट टूवर्ड्स दैट पास अगेन बट देन डॉक्टर जो डिस्पेंसर समझते हैं ये सारी हमारी प्रॉब्लम है ना सो so, उन्होंने एक वर्ड दे दिया है कि फिर से अगर रिविजिट करते हो यूज द वर्ड चेंज ये हमने वीक थ्री में किया था तो अब हमको चेंज वर्ड आ गया है तो दोबारा से अगर पीछे गया अनप्लेजेंट रिलेशनशिप चेंज ऑल माई रिलेशनशिप अमेजिंग आई एम सो है ना चेंज करके आपने दूसरा थॉट डाला हर बार ऐसा हो रहा है हर तो फिर उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो जाता ही नहीं है उसको लगता है कि एंटरटेनमेंट तो उसका हो नहीं रहा ऑब्वियसली आप किसी के घर जाओगे आपको कोई पूछेगा भी नहीं आपको कोई पानी भी नहीं पूछेगा लोग आएंगे ही नहीं 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 लिविंग रूम में आपसे मिलने के लिए वुड यू टू टू गो दैट दैट हाउस अगेन आप नहीं जाओगे आपको नहीं आपको वहां कोई एंटरटेन करता पानी नहीं पूछता आपको चाय नहीं पूछता है कोई मिलने भी नहीं आता आपसे हाई करने के लिए आप बस बेल बजा के उनके घर में चले जाते हो यू डोंट वॉन्ट टू विजिट दैट टेलिफ हाउस इसी तरीके से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई थॉट ऐसा आता है और अगर आप उसको एंटरटेन नहीं करते हो और आप चेंज करके कुछ और कर देते हो वो um, वो थॉट आना बंद हो जाता है ये न्यूरो साइंस होती है अ थॉट दैट यू डोंट एंटरटेन इट डिसिपेट्स ऑफ इट विल नेवर कम बैक टू योर लाइफ टू योर माइंड एंड इट विल जस्ट गो ऑफ ओके दैट इज हाउ इट वर्क्स दैट इज नो अदर वे दैट वर्क्स सो अब क्या होगा वो थॉट आपको आए ही रहा अब इसका मतलब है आपने अपना न्यू आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर ली है अब आपकी पर्सनल रियालिटी आपकी आउटवर्ड रियालिटी जो एविडेंसेज है एनवायरमेंट में वो भी उस हिसाब से आएंगे जिस हिसाब से आपका न्यू यू क्रिएट हुआ है क्योंकि अब आपको उसको आपने उसको अपना बीइंग बना लिया है और बनाते जा रहे हो मेक इट बी यू है ना ये जो बी यू अपोस्ट्रोफी में लिखा हुआ है डॉक्टर जो डिसा ने तो नाउ बी यू यू आर दैट पर्सन हु डज नॉट वॉन्ट टू Entertain the past for so but you don't even want to revisit it. You don't even want that thought to come to your mind anymore. है ना और आपका आइडेंटिटी चेंज हो गई है तो अब उस हिसाब से अब आप पूरे दिन वैसे ही रहने की कोश, कोशिश करो इट सेज दैट यू आर बीइंग द फ्यूचर दैट यू एग्जिस्टेड एज अ पोटेंशियल इन द क्वांटम फील्ड बिकॉज आपकी पूरी बॉडी को ये मैसेज मिल गया है दैट अब आप उस थॉट को एंटरटेन नहीं कर रहे हो आप उसमें ड्वेल नहीं कर रहे एंड यू जस्ट मूविंग आप आगे बढ़ते जा रहे हो एंड यू आर अ डिफरेंट अब आपको क्योंकि आप मेडिटेट कर रहे हो ना तो आपके अंदर वो पावर आ जाएगी टू नॉट रिविजिट

फिर से थॉट्स आएंगे वापस अपनी ब्रेथ पे आ जाओ ये तो प्रैक्टिस होती है इसे परफेक्शन आ जाता है और धीरे धीरे आप बहुत आराम से पांच मिनट के लिए बिना बिना थॉट्स के आप बैठ पाओगे सिर्फ सांसों के ऊपर ध्यान के और वो सांसों से भी ध्यान छूट जाता है फिर आप बिल्कुल यू आर नो बॉडी नो थिंग नो नो दिस थिंग नो टाइम नो स्पेस वैसी वाली सिचुएशन आती है विच इज सो ब्यूटिफुल है ना तो इस तरह से करते-करते अब आपने अपने आप अपने दम पे अपने बलबूते पे यू क्रिएटेड अ न्यू पर्सनालिटी एंड नाउ योर एनवायरमेंटल एनवायरमेंट विल स्टार्ट गिविंग यू एविडेंसेज ऑफ दैट सो दैट इज हाउ दिस इज दिस इज व्हाट इज देयर फॉर द स्टडी टुडे सो लेट्स डू दैट मोर एंड मोर एंड थैंक यू अनुकृति फॉर रीडिंग एंड ये हम कल